दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है। ग्रेविटी क्लासेस की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने आने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि आज हम आपकी मुलाकात सक्षम पालीवाल से कराएंगे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 264 प्राप्त की है जी एडवांस 2021 में, और ये लखनऊ की टॉप रैंक भी है। सक्षम पालीवाल ग्रेविटी के स्टूडेंट रहे हैं और आज इनसे मुलाकात का जो विषय है वो यही कि हम इनसे इनके अनुभवों के बारे में बात करेंगे और ग्रेविटी से इनको जो सपोर्ट सिस्टम मिला है उससे इनको अपने आप को इम्प्रूव करने में कितनी मदद मिली, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सक्षम, आपका स्वागत करते हैं। और आज की बातचीत की शुरुआत हम सबसे पहले इस बात से करना चाहेंगे कि पिछले एक डेढ़ वर्ष में आपने जो जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन की, इसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, ये जानना चाहेंगे। जब लास्ट एक डेढ़ साल में कोविड का टाइम आया तो अचानक से सारी चीज़ें ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई, तो इनिशियली उसके साथ कोप अप करने में, डील करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा फोकस करने में प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था क्योंकि लगातार पढ़ाई होती थी, घर के अंदर रह के बिल्कुल बाहर जाना बंद हो गया था। तो और उसके बाद ग्रेविटी ने भी मतलब ऑनलाइन ही कर दिया था अपना पूरा सिस्टम, जो बाद में ऑफलाइन हुआ था। तो इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई लेकिन बाद में आदत हो गई उसकी तो वो इजी हो गया। अच्छा, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन चल रहे हैं और अभी आपने बोला भी कि ग्रेविटी ने भी लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को ऑनलाइन किया था, तो ग्रेविटी के ऑनलाइन सिस्टम में आपने क्या बेनिफिट्स पाए, आपको क्या लगा कि बाकी के कंपैरिजन में ग्रेविटी का ऑनलाइन सिस्टम क्यों बेहतर है? ग्रेविटी में ऑनलाइन सिस्टम में अगर हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होती थी, अगर कभी मेरा मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली नेट जाता था तो उसके बाद भी अगर मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं ऑनलाइन उनके अपलोडेड लेक्चर से देख लेता था, तो उससे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सर लोगों से पूछ लेता था तो वो सर भी मेरे डाउट्स क्लियर कर देते। ओके। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे ऑनलाइन सिस्टम ने आपकी हेल्प की, क्या इसी तरह ग्रेविटी का स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट सिस्टम भी आपकी हेल्प कर सका आपके प्रिपरेशन में, आपके इम्प्रूवमेंट में? यस सर, स्टडी मटेरियल ग्रेविटी में बेसिकली जैसे डीपीपीज और टीपीटीज थी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स एंड टॉपर टेस्ट पेपर्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मैंने इनिशियली डीपीपी सॉल्व की जिससे मेरा एक बेस लेवल सॉलिड मतलब बन गया था कि मेरे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट थे। उसके बाद मैंने टीपीटी सॉल्व करनी स्टार्ट की जो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल की थी, जिसमें 18 में से अप्रॉक्स 10-11 क्वेश्चंस बनते थे और बचे हुए कि मैं डाउट्स पूछता था तो उससे मेरा लेवल अप हो जाता था उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई मेरी। ओके। अच्छा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रेविटी में जो टीचर्स की टीम है दे ऑल आर IITians और टॉप इन IITians, और ये वो टीचर्स हैं जो 20 वर्ष से मतलब 7 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का अनुभव रखते हैं पढ़ाने का, तो इन टीचर्स के एक्सपीरियंस और इनकी हाई क्वालिफिकेशन ने आपको किस तरह से गाइड किया? मेरे को बहुत अच्छी हेल्प मिली, काफ़ी हेल्प हुई, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो जाते थे। अगर मैं उनको रात को भी डाउट्स भेजता था मेरे तो वो भी 1-2 बजे तक रिप्लाई कर देते थे, तो इंस्टेंटली मेरे को डाउट सॉल्व हो जाता था, तो उससे एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई टीचर आपको रात में 2:30 बजे आप उनसे डाउट पूछें और उनकी तरफ से रिप्लाई आ जाए तो मुझे लगता है ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जाकर के इम्प्रूवमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है, राइट? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो प्रिपरेशन था आपका, इस प्रिपरेशन में ग्रेविटी की ऐप ने आपकी क्या हेल्प की? ग्रेविटी की ऐप में सारी लेक्चर सिस्टमेटिकली अपलोडेड थे, पहले सब्जेक्ट वाइज जैसे फिजिक्स हो गया, उसमें कोई भी सारे चैप्टर वाइज अपलोडेड थे, जैसे NLM अगर हमने खोल लिया फिर उसमें 15 लेक्चर्स अगर मान ले हैं तो सारे सिस्टमेटिकली हम देख सकते थे, उसके नोट्स वगैरह ले सकते थे, पॉज कर सकते थे, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते थे अगर कोई चीज़ आती है तो, और उसमें टेस्ट सीरीज भी थी हमारी तो उसको हम लोग सॉल्व करते थे, उसके बाद जो हमसे नहीं होते थे जो गलत हो जाते थे उसका एरर एनालिसिस भी आ जाता था, अगर हमें उसके सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आता था तो हम हमारे टीचर से पूछ लेते थे, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई थी हमारी। ओके। अच्छा, एक चीज़ और आपसे इसी क्रम में पूछना चाहूँगा सक्षम, कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक प्रॉपर सिस्टम को लगातार जब फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह आकर के हम बोर होना शुरू करते हैं, जैसे रोज 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक सेम रूटीन को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद हम धीरे धीरे अपने आप को बोर फील करने लगते थे, हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई से खोने लगता था, तो इसमें ग्रेविटी के टीचर्स का क्या सपोर्ट सिस्टम था, उन्होंने आपके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए ऐसा क्या किया? ग्रेविटी के टीचर्स ने जैसे जब मैं बोर होने लग जाता था तो
मेरे को कोई बहुत टफ क्वेश्चन दे देते थे इंटरेस्टिंग सा, जिसको देख के मतलब ऐसी रियलिस्टिक सिचुएशन होती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कोई INPHO का या कोई ओलंपियाड का हमें क्वेश्चन मिलता था तो उसको मतलब ऐसे एक डे ऑफ लेके पूरा डे वही क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे, तो उससे काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती थी, सीखने को मिलती थी, तो नेक्स्ट डे वापस रिपीट हम करने लग जाते थे। ओके, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हो सकता है आपको देखने के बाद या पहले से ये मन मना के बैठे हों कि उन्हें भी भविष्य में IIT तक जाना है, तो आप ऐसे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? 11th 12th के स्टूडेंट्स को तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और एकदम फोकस होके हार्डवर्क करना चाहिए जो भी चीज़ें हैं, और एकदम कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर दो दिन कुछ नहीं पढ़ा, रोज़ डेली पढ़ो और उसके बाद अपने टाइम को थोड़ा स्ट्रेच करो। जैसे अगर इनिशियली 4 to 5 hours पढ़ते हैं तो उसको स्ट्रेच करके धीरे धीरे 10-15 minutes करके 8 to 9 hours 10 hours ऐसे ले जाओ उसके बाद। और जो जूनियर्स हैं मतलब 8th 9th क्लास में, उनको अभी अपने करिकुलम का पढ़ना चाहिए और थोड़ा थोड़ा जैसे ओलंपियाड्स होते हैं, NTSC हो गया, INJSO हो गया, उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे बाद में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको IIT जैसे एग्जाम की तरफ जाना है और हमने ये बात अपने मन में बना रखी है कि हमें भविष्य में एक IITian बनना है, तो हमें शुरुआत 9th से ही कर देनी चाहिए। हाँ, अगर वो करेंगे तो इजी रहेगा और बहुत अच्छी रैंक आएगी, मतलब अंडर 100 टाइम से। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम बच्चों से ये सुनते हैं जो IIT जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है और टफेस्ट एग्जाम में एक माना जाता है, तो बच्चों को हम ये अक्सर कहते सुनते हैं कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं जो क्लियर नहीं होती। यानी टीचर्स का या एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है किसी इंस्टीट्यूशन का, जैसे ग्रेविटी में हम डाउट्स पे बहुत फोकस करते हैं, स्टडी मटेरियल पे बहुत फोकस करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि जो भी आपकी ये सफलता है, जाहिर सी बात है कि रैंक आपने जो प्राप्त की है और आप इस समय ऑल इंडिया रैंक 264 पर हैं, जो एक बहुत टफ और अचीवेबल टारगेट माना जा सकता है, मगर ये अचीवेबल होना तब संभव होता है जब आप जैसी मेहनत, आप जैसा फोकस शामिल हो साथ में। तो इस पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचने पर आप बधाई के पात्र तो है ही, मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो इस तरह की रैंक को टारगेट करें तो ऐसा क्या स्पेशल करें और ऐसा क्या फोकस करें कि वो इस रैंक तक पहुँच सकें? कुछ स्पेशल फोकस करना नहीं होता है, जस्ट मतलब जो भी पढ़ाया गया उसको बार बार रिवाइज करो, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, मतलब जिसमें बहुत दिक्कत है उसको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिसमें ठीक है उसको रिवाइज करते रहो। जैसे केमिस्ट्री रिवाइज करनी होती है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसमें जो गलतियाँ हैं वो ठीक करो, तो उससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। ओके, अच्छा सक्षम, ये बताइए कि आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे फादर BSF में हैं तो वो बॉर्डर पे थे, और तो मैं और मम्मी अकेले रहते थे घर पे, और कभी कभी जैसे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो जाती थी तो ग्रेविटी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को उस टाइम पे। अपलोडेड लेक्चर्स मिल जाते थे मुझको, मैं उसको देख लेता था या फिर सर से कॉन्टैक्ट कर लेता था, तो उससे भी काफ़ी मुझे हेल्प हुई और मेरा टारगेट अचीव हुआ लास्ट में। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी में आने के बाद आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो आपको बेस्ट प्रिपरेशन का मौका देगा, चाहे वो ग्रेविटी की ऐप्स हों, चाहे वो हमारा स्टडी मटेरियल हो, हमारा टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारे डाउट सिस्टम्स हो। जैसा कि अभी आपको सक्षम ने बताया कि रात में 2 बजे भी ये डाउट पूछते थे तो टीचर का रिप्लाई आ जाता था, जो अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है कि अभी भी ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ दिन रात लगे हुए हैं। तो ग्रेविटी में आने से आपको इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है, और एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि अगर आप अभी से IIT के बारे में सोच रहे हैं तो अपने मन में इस बात को रखिए कि आपको शुरुआत कक्षा 9 यानी क्लास 9 से ही कर देनी है। यही वो शुरुआत का सही समय है जो आपको सही दिशा में ले जाएगा और इस तरह की सफलता देगा।